नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नोटबंदी पर संसद से सड़क तक हंगामा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा देखने को मिला। हालांकि विपक्षी दलों के बंद को भी सफलता नहीं मिली। छिटपुट असर जरूर कहीं कहीं दिखाई दिया। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा में अपना हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन में लगातार 8वें दिन भी कोई कामकाज नहीं हो पाया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर आज भी राज्यसभा में सत्तापक्ष तथा विपक्ष में ठनी रही और हंगामे के कारण लगातार 8वें दिन कोई कामकाज नहीं हो सका तथा 3 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस मना रहे विपक्षी सदस्यों ने आज यहां संसद भवन परिसर में एकजुट होकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही स्थगित हुई तो विपक्षी सदस्य एकत्रित होकर सदन के बाहर निकले और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पहुंच गए, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इन सदस्यों ने नारे, लिखे कागज हाथ में लेकर नोटबंदी करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, साथ ही मोदी भी इस मुद्दे पर सदन में अपना बयान देंगे। दिल्ली में ही विपक्षी दलों ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे कई इलाकों में यातायात जाम हो गया। माकपा और भाकपा सहित सभी वामपंथी दलों ने नोटबंदी के खिलाफ मंडी हाउस से जंतर मंतर तक जुलूस निकाला। प्रदर्शन के कारण जंतर मंतर की तरफ जाने वाली सड़कों पर यातायात जाम हो गया। जिस तरीके से नोटबंदी लागू की गई, उसके खिलाफ कांग्रेस जन आक्रोश दिवस मना रही है। कांग्रेस की एनएसयूआई शाखा ने रायसीना रोड से संसद तक विरोध मार्च की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इलाके में बैरिकेडिंग कर दी और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र के इस निर्णय से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में बंद का कोई खास असर नजर नहीं आया। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्र ने बताया कि बाजार में किसी तरह की बंदी नहीं है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि नोटबंदी की वजह से पहले से ही व्यापार चौपट पड़ा हुआ है तथा अब वे बंद के चक्कर में और परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत जिन राज्यों में भाजपा अथवा राजग की सरकार है, वहां बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बाम मोर्चा की सरकार वाले त्रिपुरा में जरूर बंद का कुछ असर दिखाई दिया। बिहार, ओडिशा एवं अन्य राज्यों में भी बंद का नहीं के बराबर असर रहा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। छाप और नोटबंदी के चलते 17 दिन बाद खुला दिल्ली सराफा बाजार। सोना 1750 रुपए, चांदी 3100 रुपए टूटी। नोटबंदी के समर्थन में आए अमर सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी पर गर्व है। बेसिक स्कूलों की बदहाली पर उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पश्चिमी युगांडा के संघर्ष में 62 व्यक्तियों की मौत। अलेपो शहर के पूर्वी भाग में सीरिया की सेना की बढ़त के साथ हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।